हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल लेट्स नर्चर आर माइंड में मैं सतवंती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। हम अपने आसपास देखते हैं कि कई बार कुछ लोग या तो कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि मेरे को सक्सेस नहीं मिलती है, या हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ इतना नहीं हो पाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे कारण हो सकता है कि स्ट्रगल की कमी है, मेहनत की कमी है, या लगन की कमी है। किसी चीज़ की तो कमी है तभी तो सक्सेस नहीं मिलती। तो इसी चीज़ को लेकर के पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से तरीके हो सकते हैं या कैसे हम किस डायरेक्शन में चलें कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, हमें अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलते रहें और हम कामयाब होते चले जाएँ। एक बार एक म्यूज़ियम में एक जो फ्लोरिंग थी वो मार्बल की थी और साइड में कुछ मूर्तियाँ लगी हुई थी जो बहुत पुराने समय की भी थी, नई भी थी, कुछ देवी देवताओं की भी थी, कई तरह की मूर्तियाँ लगी हुई थी। तो स्लैब के ऊपर चलते चलते लोग बाग मूर्तियों को देखते जा रहे थे और उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कितनी सुंदर बनी है, कितना अच्छा इनका ऊपर नक्काशी की गई है, कितने अच्छे बिल्कुल रियल की तरह इनके कपड़े लग रहे हैं। तो इस तरीके से बात करके इस तरफ उन्हीं को अप्रिशिएट कर रहे थे। स्लैब को जो नीचे फ्लोरिंग पर लगा हुआ था उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने मूर्ति से कहा, बात क्या है, उसी माइंड से तुम निकल के आई हो पत्थर की खदान से, उसी से मैं निकल के आया हूँ, और सब लोग मेरे ऊपर तो सिर्फ चलते जा रहे हैं, मेरे को स्टेप करते जा रहे हैं और तारीफ़ तुम्हारी कर रहे हैं, जबकि मैं भी खड़ा हुआ हूँ, मैं भी उनके वज़न को सह रहा हूँ, तो तारीफ़ मेरी भी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, मेरी तारीफ़ नहीं हो रही, तारीफ़ तुम्हारी हो रही है। तो मूर्ति ने पहले तो बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुरा के जवाब दिया, ऐसा है, जब हम दोनों माइंड से निकले थे तो तुम्हारे ऊपर एक चोट पड़ते ही तुम चिप ऑफ हो गए, मतलब तुम्हारा कॉर्नर टूट गया, तुम उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो जो पत्थर काटने वाला था उसने तुम्हें साइड में रख दिया, और मेरे ऊपर जब उसने हथौड़े चलाए तो मैं बहुत शांति से, चाहे उसका वार हल्का था चाहे उसका वार तेज था, मैं सहती गई। जितने वार मेरे ऊपर पड़े मैं उसे सहती गई। उसके बाद मुझे तराशा गया, मुझे घिसा गया, और जितना भी मुझे पेन हुआ मैं पूरे पेन को बर्दाश्त करते हुए पूरे कॉपरेशन के साथ उस जो मूर्तिकार था उसके साथ हाथ काम में हाथ बटाती रही, और फाइनली मैं इतनी सुंदर बन के तैयार हो गई कि अब मुझे सब जो है वो देख के अप्रिशिएट करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, और क्योंकि तुम पहले ही पत्थर चोट में चिप ऑफ हो गए थे तो तुम्हें उठा के यहाँ पे फर्श पे लगा दिया कि इसके ऊपर और ज़्यादा मार ये सह नहीं सकता, चलो इसको छोड़ दो। तो मैंने ज़्यादा पेन सही, इसलिए मेरी अप्रिशिएशन ज़्यादा है, तुमने पेन नहीं सही, तुमने स्ट्रगल नहीं किया, इसलिए तुम्हारा अप्रिशिएशन कम है। इस मूर्ति और उस फर्श की कहानी इंसान की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। इंसान में भी यही फ़र्क है कि कुछ लोग हर तरह की परेशानी, हर तरह की मेहनत करते हुए, परेशानियों को सहते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं। कुछ शुरू में ही हार मान लेते हैं तो वो नहीं बढ़ पाते हैं। अब एक स्टूडेंट का ही एग्ज़ाम्पल ले लो, एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, और उसके लिए क्या करना है, उसे बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कुछ अपना जो खेल का समय है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब जो तो ये सब काम कर लेगा और लगातार अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करता जाएगा वो अच्छे मार्क्स ले लेगा, लेकिन जो सोचेगा कि नहीं मैं तो खेल भी लेता हूँ, मैं तो सो भी लेता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ घूम भी लेता हूँ, तो वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये एक मंत्र है लाइफ का कि नो पेन नो गेन, जब तक आप पेन नहीं सहोगे आप उसको आपको कुछ भी मिल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अ स्मूथ सी नेवर मेक गुड सेलर्स, जब सी स्मूथ है तो आप नाव चलाते चले जाओ, अच्छे है तो सेलर बन ही नहीं पाओगे। कब अच्छे बनोगे, जब समुद्र के उतार चढ़ाव को पार करके आप बाहर निकलोगे, तब आप एक अच्छे सेलर बन पाओगे। अब हमारे राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भी ये कहा है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, जब तक तुम अपने आप को उतना तपा नहीं दोगे
तब तक आप कैसे सक्सेस पा सकते हो? सक्सेस पाने के लिए मेहनत करना, और मेहनत भी राइट डायरेक्शन में करना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो एक सड़क पर चल जो काम कर रहा है मजदूर भी कर रहा है, लेकिन वो मेहनत दिमाग से नहीं कर रहा, सिर्फ अपने फिजिक्स से कर रहा है, और इसलिए वो उतना ऊंचा नहीं जा पाता। आपको दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखना होगा, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हर कोई चाहता है कि मैं फिट रहूं, हेल्दी रहूं, और उसके लिए वो काम करना भी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो हर तरीका अपनाते हैं, चाहे वो वर्कआउट का तरीका है, या अपने डाइट को कंट्रोल करने का तरीका है, या अपने लाइफस्टाइल को सुधारने का तरीका, कुछ उसको अपनाते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आज आज खा लेता हूँ, या मैं इतना वर्कआउट क्यों करूँ, तो वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। इसी तरीके से हर फील्ड में ऐसे ही होता है। आप ऑफिस में हैं, आप मान लो आप किसी कारण से आपको कोई तरक्की नहीं मिली, या कोई आप अपनी पसंद का काम नहीं कर पाए और आप चुप करके बैठ गए, ठीक है, जहाँ जिस पोजीशन पे हैं वहीं बैठे रह गए, लेकिन कुछ लोग हैं कि वो उस तरीके को ढूंढेंगे कि मैं क्यों पीछे रहा था और दोबारा मैं किस तरीके से स्ट्रगल करके आ गया हूँ कि मैं अपने गोल को पा सकूँ। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। वो मूर्ति जो सारे कष्ट सहते हुए, सारी मार सहते हुए, हर तरीके से तराशी जाने के बाद एक ऐसी शेप लेके ऊपर आई कि जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं, या वो स्लैब या वो पत्थर, फर्श का पत्थर जो एक ही चोट में टूट गया और कोई तकलीफ नहीं सह पाया, और अब हर इंसान उसके ऊपर स्टेप करके जा रहा है और उस मूर्ति की सब तारीफ कर रहे हैं। अब आपको देखना है और आपको सोचना है कि आपको क्या बनना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको कुछ मोटिवेशनल लगेंगी, और लगेंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, आप अपने कमेंट्स और अपने सुझाव ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।